देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यह पुतकारता है, और इसका गुस्सा ही दोस्तों बहुत ही भयानक इसको रूप दे देता है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सर्प मित्र ओम चीज करे, और दोस्तों आज हमारे पास में एक हस्ती है जिससे आपको रूबरू करवाएंगे दोस्तों। ये हमारे दोस्त है, हमारे से सीनियर है दोस्तों, इनका नाम जुबेर शेख है। ये भी एक समय में सांपों को बचाने में और वन्य जीवों को बचाने में सुरक्षित करते थे और उनको रेस्क्यू करके उनके वातावरण में छोड़ते थे दोस्तों। आज इनके साथ में हम लोग वीडियो बना रहे और इनसे कुछ जानकारी जानेंगे दोस्तों, और हम लोग एक एक करके इनके हाथों से सांपों को रिलीज करेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहे आखिर तक के। चलिए सबसे पहले दिखा दे दोस्तों भारत देश का सबसे जहरीला सांप दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसके नाम से ही लोगों में दहशत आ जाती है दोस्तों, जो कि भारतीय नाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। दिखाते हैं उसको फटाफट से, बने रहे दोस्तों वीडियो में। भी काफी गुस्से में यह सांप भरनी के अंदर होने के बावजूद इतना एग्रेसिव हो चुका है यह सांप, और इसे अब बाहर निकालेंगे और देंगे थोड़ी सी जानकारी दोस्तों, वीडियो में बने रहे। देख लो, देख सकते हो दोस्तों कोबरा स्नेक, जिसे हम लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक के नाम से जानते हैं दोस्तों, भारतीय नाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये भारत देश का बहुत ही जहरीला सांप होता है, और इसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो कि एक इंसान को अगर इसकी बाइट हो जाए तो इंसान की मौत निश्चित होती है दोस्तों। तो जो दोस्तों देख सकते हो, इसे हम भारतीय नाग के नाम से जानते हैं दोस्तों, और स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, देख सकते हो इसकी हुड के पीछे में एक चश्मे की तरह आकार दिख रहा होगा दोस्तों। और भारत में जो चार जो प्रमुख अपने भारत में जो सांप पाए जाते हैं, उसमें से एक सांप माना जाता है दोस्तों, जो कि बेहद जहरीला सांप होता है, और ये लगभग दोस्तों भारत में सभी जगह पे पाया जाता है, भारत के बाहर भी पाया जाता है दोस्तों। और इसको पहचानने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, तुरंत ही किसी अपने आसपास में किसी प्रकार की हलचल महसूस होते ही तुरंत ही अपना उग्र रूप लेके हुड खड़ा करके काटने की कोशिश करेगा दोस्तों, हिसिंग साउंड निकालेगा काफी जोर जोर से। देख सकते हो दोस्तों, इसके सामने अगर मैं थोड़ी सी भी हलचल करता हूं तो तुरंत ही यह बाइट करने के सिचुएशन में आ जाता है दोस्तों, जो कि अगर इंसान को अगर इसकी बाइट हो गई तो मौत निश्चित होती है दोस्तों, अगर इलाज नहीं मिला तो। देख सकते हो दोस्तों किस तरह से यह अटैक करते हैं, बहुत ही गुस्से में गुस्सेला सांप होता है दोस्तों, गुस्सेला प्रजाति का सांप होता है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यह पुतकारता है, और इसका गुस्सा ही दोस्तों बहुत ही भयानक इसको रूप दे देता है दोस्तों। देख सकते हो किस तरह से एग्रेसिव हो चुका है यह सांप। चलिए इसे फटाफट से रिलीज कर देंगे दोस्तों, उसके बाद में और भी सांप है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए इसे रिलीज कर देते हैं, इसे रिलीज करते हुए। तो जैसा कि दोस्तों देखा आपने, अभी हमने इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक को रिलीज किया दोस्तों, क्योंकि शाम भी हो चुकी है, उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते दोस्तों। फटाफट से दिखा दे दूसरे सांप के बारे में इंफॉर्मेशन देते दोस्तों, वीडियो में बने रहे। तो जुबेर भाई आप बताइए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बाहर निकाल लीजिए। अरे जुबेर भाई है, इनके हाथ में देख सकते हो दोस्तों कॉमन सैंड बॉस स्नेक है, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुबेर भाई से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। स्नेक है, इंग्लिश में इसे सैंड बॉ कहते हैं, और हिंदी मराठी में इसे डुरक्या गोनस कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में रहने वाला सांप होता है, और ये बिल्कुल ही नॉन पॉइजन होता है, नॉन वेनम। ठीक है, तो देख सकते हो हमने जुबेर भाई से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिए, अभी उनको काफी टाइम हो गया ये फील्ड में। देना चाहूंगा दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन सैंड बॉस स्नेक के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये अक्सर खेतों वाली जगह पे, मिट्टी वाली जगह पे और आसपास में परिसर में पाया जाने वाला सांप होता है दोस्तों। ये एक नॉन वेनम स्नेक होता है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों यह ज्यादा करके इसका एक खासियत बता दो दोस्तों, इसके अंदर में एक प्रकृति ने एक जो अहम हिस्सा दिया हुआ है उसके बारे में एक स्पेशल चीज है दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक आइए, दिखा देता हूं दोस्तों, नीचे रखो पटेगा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो दोस्तों, लगभग इंडियन रॉक पाइथन की तरह ही दिखता है, छोटा सा हेड होता है दोस्तों, और इसकी जो खूबसूरत जो चीज मैं दिखाना चाहूंगा वो इसकी टेल है दोस्तों। देख सकते हो किस तरह से होती है, खुरदुरी नुकीली
इसकी जो पूंछ होती है इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो है जमीन में गड्ढा करके अंदर की ओर धंसते जाते हैं दोस्तों। और अगर इसके पास में कोई भी शिकारी इसको शिकार करने के लिए आया तो तुरंत ही दोस्तों ये अपनी पूंछ को ऊपर कर लेता है और मुंह जो होता है अपना बॉडी के नीचे छुपा लेता है दोस्तों, जिससे कि वो शिकारी डर जाए। और डरने के बाद में वो शिकारी के ऊपर में जो मुंह अपना छुपाया हुआ था जमीन के नीचे उसको दोस्तों निकाल करके उसे बाइट कर लेगा। तो देख सकते हो दोस्तों इसके ऊपर में लगभग अजगर की तरह ही बॉडी पे इसका स्ट्रक्चर बना होता है, छोटा सा हेड होता है दोस्तों, लेकिन इसे पहचानने की एक खासियत है दोस्तों, इसकी जो खुरदुरी नुमा चीज होती है जैसे किसी मगरमच्छ की पूंछ के ऊपर में जो नुकेली नुकेली धारिया जैसी बना होता है दोस्तों, जो कि स्केल होता है उसका वाला, तो उसी तरह इसमें भी बना होता है दोस्तों। और इसकी यह खासियत है कि यह जमीन में अंदर की ओर धंसते जाता है दोस्तों, इसमें देख सकते हो दोस्तों इससे जमीन में गड़ा करके अंदर की ओर धंसते जाता है दोस्तों। इसका मुख्य खाद्य होता है चूहा होता है, पक्षी होता है, मेंढक होता है दोस्तों, उसे ही खा करके अपना गुजारा करता है। जैसे कि अगर जमीन में अगर गिलहरी है तो गिलहरी अगर वहां पे बैठी है तो ये छुप करके बैठा रहेगा दोस्तों और तुरंत ही उसे दबोच के निकल जाएगा दोस्तों। और इसकी एक खासियत होती है दोस्तों, यह अटैक नहीं करता, काफी शर्मीला सांप होता है दोस्तों और काफी अलाल सांप होता है। इसमें दोस्तों बहुत से लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और लगभग क्या होता है दोस्तों वो बाइट हो जाते हैं। बाइट होने के बाद में क्या होता है कि जैसा कोई रसल स्वाइपर रहता है तो उनको लगता है कि दोस्तों यही सांप है, जो कि एक आलसी सांप होता है दोस्तों, आलसी प्रजाति का सांप होता है, सैंड बॉल समझ करके पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बाइट का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। चलिए इसे भी छोड़ देंगे प्रकृति आवास में दोस्तों फटाफट से, फिर दूसरा सांप है दोस्तों उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे। लो जुबेर भाई रिलीज कर दीजिए इसे। अभी जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यह पूरी मिट्टी वाली जगह होती है तो यहाँ पर यह आराम से अपना गुजर बसर कर सकता है दोस्तों। अभी इसकी खासियत होती है जमीन के अंदर में छुप करके धस करके रहता है दोस्तों, जमीन के छेद के अंदर में जो भी चूहे होते हैं तो चूहे को वो अंदर के अंदर ही दबोच के निकलने की कोशिश करता है दोस्तों। काफी आलसी की चले जाएगा। हमने पहले छोड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक दोस्तों, उसके बाद में रिलीज किया हमने कॉमन सैंड बॉल स्नेक जो कि मिट्टी वाला सांप होता है, मिट्टी में रहने वाला सांप होता है दोस्तों। अभी एक आपको दीवालों पे चढ़ने वाले सांप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों, उसकी भी कुछ खासियत होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो में बने रहे दोस्तों। निकालो पटेल इधर सीधा करो, इधर निकल 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 ऊपर करो, ऊपर करो, सीन ले लो वाला। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कॉमन वुल स्नेक के नाम से जानते हैं दोस्तों, हिंदी में भेड़िया सांप, हिंदी में कौड़ियों वाला सांप और मराठी में कौड़ा सांप के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसका नुकल नेम भी होता है दोस्तों, इसको नुकल नेम में जाना जाता है दोस्तों, जैसे गांव खेड़ा होता है वहां पर चित्ती छत दीवार चित्ती ऐसे नाम से जाना जाता है दोस्तों। स्नेक होता है दोस्तों, दिखने में लगभग करेत की जैसा ही दिखता है, लेकिन दोस्तों यह बाइट भी इतने फोर्स से करता है जैसा कि दोस्तों महसूस नहीं होता अपने को, कभी कभी काट लेता है तो ये बिस्तर में भी आ जाता है दोस्तों। और इसकी एक खासियत है दोस्तों, देख सकते हो इसके जो सिर के ऊपर है इसके जो सिर के ऊपर जो निशान होता है दोस्तों एक बादाम नुमा आकार होता है दोस्तों, और जो कौड़िया बोलते हैं कौड़ियों की तरह इस पर आकार बना होता है दोस्तों, देख सकते हो। मैं आपको एक फोटो डाल दूंगा दोस्तों जिससे कि वो आपको क्लियर दिख सके। और इसको पहचानने का तरीका देख लीजिए दोस्तों, इसके हेड से लेकर के गर्दन से लेकर के पूरे पीठ तक के येलो कलर या फिर व्हाइट कलर में पट्टे दिखाई देते हैं दोस्तों, और इसका पूरा बॉडी चॉकलेटी होता है। कभी कभी इसे कोई कोई कोबरा स्नेक के भी नाम से समझ लेते हैं दोस्तों, और क्योंकि कोबरा स्नेक इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि इसके कभी कभी बॉडी के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो इसका बनावटी होता है दोस्तों, वो कभी कभी उसके जो पट्टे होते हैं दोस्तों, एक बिना जहर वाला सांप होता है। और इसका मुख्य खाद्य होता है दोस्तों छिपकली, जो दीवार पर आसानी से अपने घर में दिखती है दोस्तों, और वही दीवार पर चढ़ करके वो छिपकलियों का शिकार करता है दोस्तों, देख सकते हो। भेड़िया सांप के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसे चैन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसके जो पीठ पर जो निशान बने होते हैं वो एक चैन की तरह बने होते हैं दोस्तों। और एक नॉन वेनम स्नेक होता है जो कि इंसान के लिए बहुत ही
अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जो छिपकलियां होती हैं कभी कभी हमारे घर में जो कीड़े हो जाते हैं उनको खाती है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमारे बर्तनों में भी छिपकली गिर जाती है, तो उसे नष्ट करने का काम यह करता है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सांप होता है, और इसको देख लीजिए दोस्तों थोड़ा नजदीक से। इसकी जो आंखें होती है बड़ी बड़ी आंखें होती है, बाहर निकली होती है दोस्तों इसकी आंखें। इसका यह पहचानने का तरीका होता है, देख लीजिए उसके गर्दन से लेकर के पूरे पीठ तक के मिडल बॉडी तक के उसके पट्टे जो है जो एक आकार के दिखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में यहाँ से धुंधले होना चालू हो जाते हैं दोस्तों, जो कि एक उसकी एक खासियत होती है दोस्तों स्नेक की। दोस्तों काटने में यह एक चेकर्ड किलबैक का भी बाप होता है दोस्तों, क्योंकि इतने जोरों से काटेगा, इसका बाइट फोर्स दोस्तों बहुत तेज होता है, इतना फुर्ताई से अटैक करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों किस तरह से इसने काटा हुआ है और कब काटा हुआ है दोस्तों। कभी कभी यह बिस्तर में भी आ जाता है, इंसानी जहां पर इंसान सोए होते हैं वहां पर उसके जैसे कॉमन क्रेच जैसे बिस्तर में आ जाते हैं दोस्तों, और उनकी उनको शरीर की गर्मी बहुत पसंद होती है दोस्तों। बारिश के समय में ज्यादा करके ये सांप निकलता है दोस्तों, और अभी कैसा उसका मीटिंग टाइम मतलब अंडे देने का टाइमिंग हो चुका है दोस्तों, मतलब अंडे देगा अभी, और लगभग इसके सितंबर तक के अंडे में से बच्चे बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। एक 3 से 4 अंडे यह देता है दोस्तों, 3 तो बहुत ही एग्रेसिव प्रजाति का यह भी सांप होता है, बहुत तेज गति से काटेगा दोस्तों, आपको महसूस भी नहीं होगा किस तरह से काटेगा। चलिए इसे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों देखा आपने, हमने एक एक करके ये प्रकृति में सारे सांपों को रिलीज कर दिया दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हमारे जो जुबेर भाई है इन्होंने अभी फिर से काम चालू कर दिया है, जैसे आपके आसपास में नागपुर शहर में बिड़गांव के अंदर में दोस्तों कहीं पर भी सांप निकलता है, या फिर भांडेवाड़ी परिसर में कहीं पर भी सांप निकलता है दोस्तों, तो इनका जो है पुराना जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी चालू हो चुका है दोस्तों, तो ऐसे ही उनके वो अपना काम जारी रखेंगे दोस्तों, आगे चल करके भी जानवरों की सेवा में अपना जीवन बिताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।